हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का पार्ट 4। इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट देखा था, तो आज चौथा पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ क्वेश्चन में है x इक्वल टू 8 माइनस 3√3, तो x प्लस 1 बाई x बराबर क्या होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखें कि हमें निकालना क्या है, x प्लस 1 बाई x, ठीक है। और x हमें पहले से यहाँ मिला हुआ है, x बराबर क्या है, 8 माइनस 3√3, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या सिर्फ निकालना है, 1 बाई x, ठीक है। तो देखिए, अगर हम 1 बाई x करें तो यहाँ x बराबर तो 8 माइनस 3√3 है, ठीक है। तो इसे जब हम रेशनलाइज करेंगे, यानी कि साइन चेंज कर करके हम ऊपर भी इससे गुना करेंगे, यानी 8 प्लस 3√3 ऊपर में गुना करेंगे और नीचे में भी गुना करेंगे 8 प्लस 3√3, ठीक है। जब हम रेशनलाइज करेंगे उसके बाद इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 8 प्लस 3√3। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर x बराबर 8 माइनस 3√3 कहीं भी दिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस का साइन बीच में हो रहा है, तो इसका 1 बाई एक्स जब हम करेंगे तो साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, जैसे यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स बराबर 8 प्लस 3√3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर, ठीक है। तो x बराबर हमें क्या पता है, 8 माइनस 3√3, ठीक है, प्लस का साइन बीच में, और क्या है, 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स बराबर हमने निकाला 8 प्लस 3√3, ठीक है। अब देखिए, 3√3 यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 8 और 8 दोनों जुट जाएगा, यानी 8 8 16, यानी x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 16 होगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ क्वेश्चन में है x इक्वल टू 5 माइनस √24, ठीक है, √24 है यहाँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आइए इसे भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें यहाँ x बराबर पहले से पता है 5 माइनस √24, ठीक है। तो इसका जब हम 1 बाई एक्स निकालेंगे तो साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस रूट यहाँ 24 है तो 5 प्लस √24 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, x प्लस 1 बाई एक्स पहले हम निकालेंगे, यानी x बराबर 5 माइनस √24 है और प्लस यहाँ हमने निकाला है 1 बाई एक्स बराबर 5 प्लस √24, ठीक है। तो यहाँ देखिए, माइनस √24 यहाँ प्लस √24, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि 5 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी x प्लस 1 बाई x बराबर हमने निकाल लिया है 10। अब हमें स्क्वायर सिर्फ निकालना है, तो स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, आपको पहले भी मैंने बताया था, बस सिर्फ 10 का स्क्वायर करना है, माइनस 2 करना है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है इसलिए माइनस 2 किया, तो हो जाएगा 10 तक 100, माइनस 2 करेंगे यानी 98। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 98, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ a इक्वल टू 2 प्लस √3, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ हमें पहले से क्या गिवन है, a इक्वल टू 2 प्लस √3, ठीक है। यहाँ हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 बाई a चाहिए, ठीक है। a हमें पता है, अगर हमें 1 बाई a चाहिए तो इस a को जब हम 1 बाई a करेंगे तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है ये साइन चेंज होकर माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर a इक्वल टू 2 प्लस √3 है तो 1 बाई a बराबर 2 माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, a प्लस 1 बाई a करेंगे तो a की जगह 2 प्लस √3 हो जाएगा, प्लस का साइन बीच में, और 1 बाई a की जगह हो जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है। यहाँ देखिए, प्लस √3 यहाँ माइनस √3, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 और 2 4, ठीक है, यानी कि a प्लस 1 बाई a बराबर 4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस 4 को स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 करेंगे, 4 का स्क्वायर किया तो हो जाएगा 16, माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ देखिए, हमें पहले से क्या गिवेन है, हमें x गिवेन है, x बराबर है 3 प्लस 2√2, हमें और क्या चाहिए, 1 बाई एक्स चाहिए। जब इस x को हम 1 बाई एक्स करेंगे तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ हो जाएगा 3 - √2। ठीक है, अब देखिए हमें x पता है, 1/x भी पता है, यहाँ हमें क्या निकालना है, √x - 1/√x। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम रूट लगा दें तब ये इक्वेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इसे सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ हम a - b के होल स्क्वायर पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर √x - 1/√x का हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 1/x। ठीक है, क्योंकि √x का स्क्वायर करेंगे तो x बचेगा। ठीक है, 1/√x है, यहाँ भी इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी x बचेगा। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा 2 √x / 1/√x होगा। ठीक है, यहाँ पर √x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा क्या, x + 1/x - 2, यानी x बराबर है हमारा 3 + √2 और 1/x बराबर है 3 - √2 और यहाँ पर सिर्फ -2 बचा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस में 2√2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस में एक 2√2 है, ये दोनों कट गया। ठीक है, यहाँ बचा क्या, 3 बचा और -2 बचा, यानी कि 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, -2 करेंगे तो 4 होगा, यानी √x - 1/√x का होल स्क्वायर बराबर यहाँ आया 4। ठीक है, जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो 4 के ऊपर रूट लग जाएगा तो √4 हो जाएगा। ठीक है, ये √4 हो जाएगा यानी कि 2 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ x = 2 + √3 है तो x² - 4x + 2 क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ हमें गिवन है x = 2 + √3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, अगर √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 * 9 यानी कि 3 ही हो जाएगा, प्लस में 4√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी 7 + 4√3 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 7 + 4√3। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, x² - 4x + 2 हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ x² हमने निकाला है 7 + 4√3, तो यहाँ x² रख देंगे, माइनस में 4x है तो माइनस में 4 लिखेंगे और x भी हमें पता है 2 + √3, यहाँ पर गुणे में हो जाएगा 2 + √3 और यहाँ पर प्लस में 2 रह जाएगा। सही, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में है 4√3, यहाँ पर माइनस में है 4√3, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 है प्लस में और 2 है प्लस में, 7 + 2 हो जाएगा 9, 9 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है x = √3 + √2। ठीक है, तो हमें निकालना क्या, x + 1/x क्या होगा। ठीक है, यहाँ x हमें पता है √3 + √2। ठीक है, 1/x जब हम इसे करेंगे तो सिर्फ साइन चेंज होता है। ठीक है, यानी कि √3 - √2 हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है x + 1/x, यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो √3 + √2 + √3 - √2। तो यहाँ पर +√2 है, यहाँ -√2 है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ 2√3, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ a = 3 + √2, तो हमें निकालना क्या है, a^6 + a^4 + a^2 + 1 / a³। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ हमें पहले से क्या गिवन है, a गिवन है, यानी a = 3 + √2 है, तो इसका जब हम 1/a निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 3 - √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले a + 1/a निकाल लेंगे। ठीक है, वो a + 1/a जब हम निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3 + √2 प्लस हो जाएगा यहाँ, और 1/a बराबर है 3 - √2। ठीक है, तो यहाँ पर 2√2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सिर्फ 3 और 3, यानी कि a + 1/a बराबर हो गया 6। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन जो आपको दिख रहा है इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है a^6 a^4 a^2 और +1 और डिवाइड करना है aq से सभी में। ठीक है, अगर हम सभी में aq से डिवाइड करें तो यहाँ पर a^6 है, इसे भी aq से डिवाइड करना है।
यहाँ ए पे पावर 4 है इसे भी ए क्यू से डिवाइड करना है, ए पे पावर स्क्वायर है इसे भी ए क्यू से डिवाइड करना है, और 1 है इसे भी ए क्यू से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए पे पावर 6 है यानी कि 6 ए है, नीचे में 3 ए है, ये 3 ए कटेगा, ऊपर में 3 ए कटेगा यानी ऊपर में बच जाएगा 3 ए, यहाँ पर ए क्यू हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 4a है, यहाँ पर 3a है। ठीक है, तो यहाँ पर जब aq कटेगा, ऊपर में aq कटेगा, ऊपर में एक a बच जाएगा तो यहाँ पर a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर aq है यानी 2a यहाँ कटेगा और यहाँ से 2a कटेगा, नीचे में एक a बच रहा है तो 1/a हो गया यहाँ पर, और प्लस में 1/aq ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखने से क्या लग रहा है, a प्लस 1/a एक जगह है और ए क्यू और 1/aq फर्स्ट में है और लास्ट में, इसे भी हम ठीक से लिख सकते हैं, एक जगह कर लेंगे। तो इसे जब हम एक जगह करेंगे तो हो गया यहाँ ए क्यू प्लस 1/aq प्लस में ए प्लस 1/a। तो हमने यहाँ ए प्लस 1/a बराबर पहले ही निकाला। ठीक है, यहाँ हमें चाहिए क्या, ए क्यू प्लस 1/aq, तो इसे हम ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यू माइनस 3ab यानी माइनस 3 इंटू ए इंटू 1/a प्लस a प्लस बी होता है यानी ब्रैकेट के अंदर a प्लस 1/a। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर a प्लस 1/a पहले से बचा हुआ है तो इसे भी हम वैसे ही लिख देंगे, प्लस में a प्लस 1/a। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस 1/a बराबर हमने निकाला है 6, तो हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पर a से a ये दोनों कैंसिल हो चुका है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है यहाँ पर a प्लस 1/a, तो गुने में यहाँ पर 6 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर भी एक है a प्लस 1/a, इसे भी हम प्लस में 6 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का क्यू करेंगे तो हो गया 216 और माइनस करेंगे हम यहाँ पर 6 × 3 = 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो गया 6 × 3 = 18 और प्लस में एक 6 बच रहा है तो प्लस में ये 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हम 216 में से 18 घटाएंगे और 6 जोड़ेंगे तो हो गया यहाँ पर 204, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 204। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें और इसी तरह रोज नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।